विंडोज ही लॉक कर देती हूँ, हाथ में कुछ नहीं बाहर निकालेगी। सॉरी दिवी। तुम बार बार सॉरी सॉरी क्यों बोलती रहती हो? दिवी तेरा मुझे लाके क्या फायदा, मैं एक बोझ ही तो बन के रह गई हूँ तुझ पर, तेरे कोई काम भी नहीं आ सकती। एक काम कर, तू ना मुझे वापस घर ड्रॉप कर दे, तू इतनी स्ट्रॉन्ग है, तू तो सब संभाल लेगी। दी आज बोल दिया, फिर कभी मत बोलना कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप मेरे कोई काम नहीं आ सकती। मुझे हर पल आपकी जरूरत है, आप मेरी दी हो, तो प्लीज ऐसी बातें मत करना कभी, ठीक है? और ये हाथ, मामा को प्रॉमिस किया था ना कि ये हाथ नहीं छोड़ना है, तो ये हाथ नहीं छोड़ना है, समझी? और अगर आपने ये हाथ छोड़ा तो आप चुड़ैल। चुड़ैल। और अगर तूने ये हाथ छोड़ा ना तो हाँ तो तू ना तू चिपकली। सिमका का ऑरेंज हो रहा है। ऑरेंज हो गया? अरे मैं ऑरेंज हो गई, मैं ऑरेंज हो गई। हमारे पास वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, आप घर में पार्टी में सब लोग सेफ है, प्लीज दिवी जल्दी चल। हाँ ट्राई कर रही हूँ। जीजू ने कुछ हुए? अब कुछ करते क्यों नहीं है? कर तो रहा हूँ, छोटी मोटी हल्की बात नहीं कर रहा हूँ। मम्मी आप उसको यूज कर रहे हैं, आप अनजाना जान की पावर यूज करिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मैं अनजान हूँ? मुझे पता है, पर मेरी पावर्स काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये कोई पेस्ट कंट्रोल का धुआं नहीं, पिशाचिनी का फैलाया हुआ जादुई धुआं है, जिसके आगे मेरी पावर्स कमजोर पड़ गई। और तुम ये सब छोड़ो, चलकर मेरी हेल्प करो। पहचाना मुझे, मैं आपकी एक्स बहू लावण्या नहीं, कली छिपकली। जहर इतना कि जिसको मारे मर जाए, और कहर इतना कि जो भी देखे डर जाए, छिपकलियां ऐसी ही होती हैं। रोमी रोमी यहां से बाहर निकल, रोमी ये धुआं बहुत जहरीला है, सबको बाहर निकाल घर से जल्दी। रक्षित खिड़की, अगर उस खिड़की को तोड़ देंगी तो सारा जहरीला धुआं निकल जाएगा। मॉम मॉम जल्दी बाहर निकलो जल्दी। सासुमा नंबर टू तुम कहां भाग रही हो? मम्मी 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 अब ठीक हो? मम्मी मम्मी राशि मुझे किसी भी तरह यहां से बाहर जाके अनजान के रूप में वापस आना होगा। दी, हम मंदिर पहुंच गए। मैं उतर गई
ये हम पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। देखो हम टेंपल पे पहुंच गए। जल्दी आ जाओ। दिव्य इधर पकड़ो। ये हमारे पास टाइम कितना बाकी है? सिर्फ 18 मिनट बाकी है। सिमी, हाँ सिमी जल्दी आओ प्लीज। मुझे पकी से अपने जल्दी आओ प्लीज। चलो दी। दी, सीढ़ी है आराम से। टंग टंग टंग, टीवी भाभी टंग टंग टंग। दी, अभी हम शिवजी के सामने खड़े हैं। हे शिवजी, सिमी के अंदर काल विजय रत्न है जो किसी भी वक्त फट सकता है। हमें कुछ नहीं पता हम उसे कैसे बचाएं, क्या करें। अब आप ही कोई उपाय निकालिए, आप ही कोई रास्ता दिखाइए शिवजी प्लीज। ये घंटी की प्रीतम मासी, प्रीतम मासी, दीवी बाबे। हाथ मत लगाना। सिमरन जा अंदर। दीवी बाबे, सिमी, सिमी, भाभी मुझे बचाओ, मुझे मार देगी। नहीं सिमी, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। नहीं नहीं भाभी, वो मार देगी भाभी। जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी जाओ उसको लेके, जल्दी। अच्छा सुनो, जहाँ तक मुझे याद है इस मंदिर के पीछे से बाहर निकलने का रास्ता है। ले चलो ना मुझे, आओ मेरा हाथ पकड़ो। हाथ दो, हाथ दो। तिमी, 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 तुम ठीक हो? हाँ भाभी। तो नहीं लगी? नहीं भाभी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो सिमरन शिवलिंग पर जाकर गिरी है। दी, सिमरन शिवलिंग पे गिरी है, उसको उठाओ। क्या हुआ सिमरन? छोड़ तू यहाँ मेरे रत्नों को, छोड़। रंग बदल रहा मतलब भाभी, तुम्हें तुम्हारे अंदर का ग्लो चला गया क्या? मतलब तुम्हारा रंग कम हो गया क्या? हाँ भाभी, मेरा कलर ऑरेंज नहीं है, लाइट हो गया और स्किन भी नहीं जल रही है। मतलब सिमी, तुम्हारे अंदर जो काल विजय रत्न है ना, उसकी सारी शक्ति शिवजी ने अपने अंदर ले ली है। देखो शिवजी ने हमें रास्ता दिखाया और तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। जय भोलेनाथ। चलो सिमी, इसे उठाओ, थोड़ा जोर लगाओ, कोशिश करो। भाभी बहुत भारी है। मुंह नोच लूंगी मैं तेरा चूहिया, छोड़ मुझे। भाभी मुझसे नहीं हो रहा। होगा तुम्हें, जोर लगाओ, हार मत मानो प्लीज। बहुत देखे तेरे जैसी साचनी। सिम, दी, ये क्या कर रही हो? देवी, देवी सुन, सिमी जब शिवलिंग पर गिरी तो उसका रंग हल्का हो गया, इसका मतलब उसके अंदर जो काल विजय रत्न की शक्तियां हैं वो शिवजी ने अपने अंदर खींच ली हैं। पर रत्न तो अभी भी सिमी के अंदर है ना, मतलब ब्लास्ट तो होना ही है, तो क्यों ना हम सिमी के हाथों शिवजी को किसी पानी वाली जगह के पास ले जाए। हाँ, तब तक वो सारी शक्तियां अपने अंदर खींच लेंगे और ब्लास्ट होने की वजह से आसपास के लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और सिमी की जान भी बच जाएगी। हाँ दी, आप सही कह रहे हो। चलो सिमी, जोर लगाओ प्लीज, उठाने की कोशिश करो। हाँ भी, ये बहुत भारी है। दी, मैं उठाती हूँ। पकड़ो भाभी, ये थोड़ा थोड़ा भारी कम हुआ। आज शिव की शक्ति ही शिव की शक्ति को यहाँ से ले जाएगी।
भाभी बहुत भारी है फिर भी। डोंट वरी सिर, देखना आज तुम ही शिव जी को यहाँ से ले जाओगी। और सुनो, दृष्टि भी देख नहीं सकती, तुम ही को इन्हें यहाँ से लेके जाना है, ओके? भाभी, पर हमें जाना कहाँ है? कहाँ गई दोनों चूहियाँ? हमें किसी तालाब या नदी के पास जाना है। हमें इस शिवलिंग को ठंडा करने वहाँ पर जाना ही होगा। कोई नदी ढूंढनी पड़ेगी किसी भी हाल में। दी, आप लोग जाओ यहाँ से, मैं साचनी को रोकती हूँ। लेकिन दी, मुझे पता कैसे चलेगा तू ठीक है? साचनी ने तेरे साथ कुछ किया नहीं है। दी, मैं कोई ना कोई इशारा आपको जरूर दे दूंगी। अभी आप जाओ, मैं इस टनल को संभालती हूँ। तू अपना ध्यान रखना। सॉरी दी, हाथ छोड़ना पड़ रहा है। भागा ले क्या? सिर्फ हाथ छोड़ रहा है, साथ नहीं। हम एक दूसरे से चाहे कितने भी दूर हो, हम हमेशा साथ रहेंगे दी। लव यू दी। अभी अब जाओ, मैं इस डैन को संभालती हूँ। अपना ख्याल रख। यस। मैं दी और सिमरन यहाँ पे मंदिर में आए थे, ठीक है, जहाँ पे पहले कालविजय रत्न रखा हुआ था। अभी साचनी भी यहाँ पे आ गई है। मैंने किसी भी तरह से इन दोनों को यहाँ से भेज दिया है, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की बहुत बहुत जरूरत है। पर दिव्या, मैं तो यहाँ, मुझे नहीं पता ये दोनों किसी तालाब में गए या नदी के किसी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ पे है। प्लीज, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। रक्षित, दिव्या, हेलो दिव्या, क्या हो पापा? वहां दृष्टि और सिमरन, वो दोनों आप? पापा, मैं जानता हूं बेटा, ये शक्तियां तुम्हें तुम्हारे नाना से मिली, लेकिन तुम्हारी माँ का इन शक्तियों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो इनके बारे में कुछ नहीं जानती।